हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बात करें, पेपर फर्स्ट की आज हम यूनिट नंबर दो के बारे में बात करने वाले। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है रासायनिक बल गति की, वह उसके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। रासायनिक बल गति की क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया के वेग के बारे में हम पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गति की कहते हैं। रासायनिक बल गति के अंतर्गत हम अभिक्रिया पर जैसे सांद्रता, ताप, दाब, विलायक, प्रकाश की किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से उसको विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से उसे प्रकाश में वो किस प्रकार से अभिक्रिया दिखाई देती है, इन सभी की जो जानकारी होती है हम अभिक्रिया के वेग के द्वारा पता करते हैं। आगे हम और बात करें इसके अंतर्गत, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन, रसायन शाखा में, ठीक है। और देखो ऐसे अभिक्रिया है, इस प्रकार से कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर हम आप इसको बात करें ए बी, यहां पर तो होते हैं अभिकारक, क्या होते हैं अभिकारक, और ये क्या है यहां पर उत्पाद। जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है ना, तब क्या होता है, जो अभिकारक की जो सांद्रता है, किसी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है तो अभिकारक की सांद्रता वो तो क्या होती रहती है, कम होती रहती है, जबकि जो उत्पाद की सांद्रता है वो बढ़ती रहती है। उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण देने जीवन में जो प्रयोग करते हैं, जब आप दही, दूध को जब दही के अंदर परिवर्तन करते हैं, प्रारंभ के अंदर जो दूध होता है वो किसका कार्य करता है, वो कार्य करता है अभिकारक रेडिएंट का कार्य करता है, और जो दही होता है वो उत्पाद की तरह कार्य करता है। जैसे जैसे अभिक्रिया होती है, जिस समय निकलता रहता है ना, दूध है जो अभिकारक के रूप में है उसकी मात्रा कम होती रहती है, और जो उत्पाद है जो दही है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। अब जो अभिकारक है उसकी सांद्रता को हम किसके द्वारा रखते हैं, घटती रहती है ना, ये घटती है, जिसको हम ऋणात्मकता का चिन्ह से और इसको हम धनात्मकता चिन्ह से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको प्रदर्शित करते हैं अभिक्रिया के वेग की यहां पर बात करें, अभिक्रिया वेग क्या होता है, अगर हम बात करें उत्पाद की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या परिवर्तित होते रहे, अभिकारक सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या परिवर्तित हो, तो उसे अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की गति कहते हैं। लिख लेते हैं, अगर उत्पाद या अभिकारक कि सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो तो उसे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति कहते हैं। अब ये जो दिख रहे हैं ना आपको ए बी, इन सभी को क्या बोलते हैं, स्टाइकोमीटिय, ये इसको बोलते हैं रस समीकरण
बीती है वो गुनाह कहते हैं। या बोलते हैं स्ट्राइक, स्ट्राइक क्यों बीती है, स्ट्राइक क्यों बीती है, गुनाह कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ना कि अभिक्रिया वेग के द्वारा हम अभिकार्य के सांद्रता या अभिकार्य के उत्पाद सांद्रता किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, क्यों हमने प्रारंभ के अंदर देखा कि अभिकार्य जैसे अभिक्रिया होती रहती है ना वहाँ के तो अभिक्रिय सांद्रता कम होती रहती है, इसीलिए जो अभिकारक है जो आर रेटेड है उसको नेगेटिव से, जबकि जो उत्पाद है प्रोडक्ट है उसको पॉजिटिव के चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, जो किससे दर्शाते हैं हम पॉजिटिव के साइन से दर्शाते हैं। जैसे इसके लिए अगर बात करो और जो रस समीकरण मृत्यु गुणांक है ना उसको व्युत्क्रम रूप में लिखा जाता है, कैसा लिखते हैं, व्युत्क्रम रूप में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो एक बट्टा ए, ठीक है, और डेल ए अपॉन डेल टी नेगेटिव साइन है, इक्वल लगा देते हैं। अगर हम बात करें बी की तो ये बट्टा बी। अब हम उत्पाद की बात करते हैं, पॉजिटिव प्लस का साइन आता है और यहां पर भी क्या आ जाता है, प्लस का साइन। अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे सक्रिय द्रव्यमान या हम बात के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन की हम बात करने वाले हैं, ये किस प्रकार से होता है। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो अभिक्रिया का वेग है या जो अभिक्रिया की गति है ना वो अभिकारक की जो सांद्रता है ना वो सांद्रता क्या होता है, उन सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किस नियम के अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार। ये जो नियम है किसने दिया था, गुलबर्ग वाग्य ने दिया था। किसने दिया था यह नियम हमारे पास दिया था, गुलबर्ग वाग्य ने दिया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो अभिक्रिया का वेग है समानुपाती की तो किसके होता है, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, अगर मैं अभिक्रिय वेग की बात करूं, सक्रिय द्रव्यमान को हम किस लिखते हैं, माइनस के द्वारा लिखते हैं, माइनस जैसे मैंने को लिख लिया ए और ये हो गया पास डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं इसको चिन्ह को हटाता हूँ तो अभिक्रिय वेग क्या जाता है, माइनस का। अगर आप के देखोगे, के यहाँ पर क्या है, वेग स्थिरांक। अभिक्रिया वेग को हम आर के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया वेग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया की प्रारंभ के अंदर क्या होता है, अभिक्रिया सांद्रता अधिक होती है। जैसे हमने कल एग्जाम्पल प्रीवियस पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया का प्रारंभ के अंदर, प्रारंभ जो स्टार्ट होती है, ठीक है, जब क्या होती है, अभिक्रिया सांद्रता सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, अभिक्रिया की सांद्रता समय बढ़ने के साथ साथ कम होती रहती है और आखिरी में अंत में क्या हो जाती है, अभिक्रिया की सांद्रता शून्य हो जाती है। सैद्धांतिक रूप में कभी भी अभिक्रिया शून्य नहीं होती है, क्या नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। ये तो बात सत्य है कि प्रारंभ के अंदर सर्वाधिक होगी फिर वो कम होती जाती है, परंतु बाद में अगर हम बात करें जो अभिक्रिया है वो ताप उत्प्रेरक पर निर्भर करती है। ठीक है, इसको एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यहां पर क्या है, सांद्रता, ठीक है, ये हो गया हमारे पास समय। ये देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सांद्रता जीरो नहीं होती, कम होती जाती है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे क्या होता है, अभिक्रिया का वेग वैसे सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे
कम होती जाती है। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, प्रारंभिक वेग के लिए पढ़ा है, इसके लिए पढ़ा है प्रारंभिक वेग, ठीक है। हम जो बात करने वाले हैं बात करेंगे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, बात करने वाले किसकी बात करेंगे, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की। पहले हम जो बात करते हैं पढ़ेंगे अभिक्रिया का ताप, किसके बारे में बात करने वाले, अभिक्रिया के ताप के बारे में बात करने वाले। जब अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है ना, तब क्या होता है, जो अभिक्रिया के अंदर जो अणु होते हैं उनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणुओं के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसके अंदर क्या होगा, अणुओं में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाएगी और वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हम क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं, ताप बहुत महत्वपूर्ण पद रखता है, महत्वपूर्ण भाग रखता है किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित करने के लिए। दूसरी बात करते हैं अभिक्रिया का ताप। अगर हम अभिक्रिया के ताप की बात करें तब किन अवस्था के अंदर देखने को मिलता है, जब उत्पाद क्या हो, दो गैसीय परमाणु से मिलकर बना हो, ठीक है, अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है उत्पाद, तब ये प्रभाव देखने मिलता है। वहां क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक या रसमेवमितीय गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, एक ये बराबर नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या होता है, उत्पाद किससे मिलकर बनाओ, गैसीय परमाणु से या अणु से, या अणु से, ठीक है, या तो परमाणु से मिलकर बनाओ या वो अणु से मिलकर बनाओ, कौन, जो उत्पाद है। आगे अगर हम बात करें इसमें और देखिए, पहले के अंदर आप देखोगे ना, पहले के अंदर देखिएगे तो टोटल कितने हैं, यहाँ पर चार है और घटक संख्या क्या हो गई, अणुओं की दो हो चुकी है, ठीक है। तो जहां अगर संख्या कम हो रही है वहां पर होता है दाब कम हो जाता है। इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें क्या होता है, दाब, ये अभिक्रिया अधिक दाब में संपन्न होगी, दाब कम हो चुका है तो ये क्या हो, इसके लिए अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें दाब की अधिक मात्रा चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या, अणुओं की संख्या कम की संख्या कम तो दाब भी क्या हो जाता है कम, अणुओं की संख्या अधिक तो दाब भी क्या हो जाता है अधिक। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, अणुओं की संख्या बढ़ रही है, पांच हो चुकी है तो यहां पर दाब अधिक है तो यह अभिक्रिया कम दाब के अंदर संपन्न हो जाती है। तीसरा था सांद्रता, सांद्रता हमने पढ़ ली है, जो क्रिया कारक होते हैं ना उनके सक्रिय द्रव्यमान की क्या होती है, समानुपाती होती है, क्या होती है, सांद्रता, ठीक है। अगर आपको क्रिया कारक सांद्रता बढ़ानी है, अभिक्रिया वेग बढ़ाना है तो क्रिया कारक सांद्रता हम उसको बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं जिससे क्या होता है, अभिक्रिया के वेग बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को कम करते हैं जिससे क्या होता है, अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। अगला देते हैं हम क्रिया कारकों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। देखिए दो प्रकार से होते हैं, एक हम पढ़ते हैं आयनिक, एक पढ़ते हैं सहसोजक। जो आयनिक होते हैं ना, आयनिक वो जल्दी से क्या होते हैं, आयन के अंदर टूट जाते हैं, टूट कर तुरंत क्या बना देते, उत्पाद का निर्माण करते हैं। सहसोजक के अंदर हम बात करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, पहले बंध टूटता है जिसके लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, फिर क्या होता है, बंध निर्मित होता है, बनता है जिसके लिए उससे ऊर्जा मुक्त होती है, इससे क्या होता है, अभिक्रिया का वेग कम होता है। जितना अधिक क्या होगा, बंध टूटने में बनने समय जितना कम लगेगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होता है, ठीक है। जितना कम समय बंद टूटने वे बनने में लगे उतना अधिक अभिक्रिया
का वेग होता है, उतना क्या होता है विक्रिया का वेग होता है। ठीक है, आयनिक का विक्रिया वेग अधिक होगा जबकि सहसंयोजक का विक्रिया वेग कम होता है। अब हम बात करते हैं अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए किसी क्रिया कार्य की बात, जितना क्षेत्रफल अधिक होता है उस अभिक्रिया के वेग को उतनी ही उसके वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा वेग उतना कम हो जाता है, और जितना छोटा क्षेत्र चुनित भाग है किसी क्रिया तो उसका वेग अधिक हो जाता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल इसका अधिक है वेग वहां पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अगर क्षेत्रफल की बात करोगे अगर कम है वेग वहां पर बढ़ता है, जैसे चुन्नित क्या जाता है हमारे पास, चुन्नित भाग आ जाता है। एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें कुछ और एक दो पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम जो आगे बात करने वाले हैं बात करेंगे विकिरणों का प्रभाव। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब हम बात करते हैं ना कोई भी एक तरंग दैर्ध्य की, उचित तरंग दैर्ध्य की विकिरण की बात करते हैं, अगर कोई अभिक्रिया उससे प्रभावित है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो ये प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है ना, वो उसमें अभिक्रियाओं से उनका क्या होता है, अधिक वेग होता है। कैसे होता है, जो विकिरण के अंदर बात करोगे ना, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट फोटोन होते हैं जो क्या करते हैं, जो अणु होते हैं ना उनके उनके वेग को बढ़ा देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। सक्रिय करने के बाद में क्या हो जाता है, वो उत्पाद का निर्माण कर लेता है। जितना अधिक विकिरण का मान होगा उतनी अधिक क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्या होती है, वह अभिक्रिया जो उचित उचित तरंग दैर्ध्य की से प्रभावित हो, जो क्या उचित तरंग दैर्ध्य की विकिरण से प्रभावित हो। इसके प्रकाश की बात करें ना, ये उसमें अभिक्रिया से अधिक वेग होता है, उसमें अभिक्रिया क्या होता है, इसका अधिक वेग होता है। ठीक है, किसका, इसका, इसमें क्या होता है, जो ये फोटोन है, ये जो अणु है, इनको कहते हैं संपूर्ण ऊर्जा, इससे क्या होता है, सक्रिय हो जाते हैं, इसके बाद क्या बनाते हैं, उत्पाद बना देते हैं। ठीक है, जितनी हम विकिरण की, जितना विकिरण का मान होगा, जितना क्या होता है विकिरण का मान होता है, उतना ही क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होगा। आगे देखिए विलय की प्रकृति, विलय की प्रकृति भी वेग बहुत अधिक प्रभावित करती है। जिस प्रकार से हम बात करें ना आयनिक की होगी, वो क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायकों के अंदर विलय होते हैं, जबकि सहसंयोजक की बात करें वो अध्रुवीय विलायकों के अंदर, जिससे प्रकाश ध्रुवता बढ़ती जाती है ना उनके वेग भी बढ़ते जाते हैं। ठीक, इसको भी लिख लेते हैं। आयनिक की बात करोगे वो किसे विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में आयनीकरण होता है उनका। अगर हम बात करें सहसंयोजक की, वो किसमें होते हैं, अध्रुवीय में। ठीक है, अब हम बात करते हैं माध्यम की पीएच की बात कर लेते हैं। जो Ti+3 है ना,
FeCN6। ठीक है, अगर इसकी बात करें हेक्सा साइनाइडो, हम फिर इसकी बात करें ना, तो ये क्या करता है, इसको अम्लीय माध्यम में इसका ऑक्सीकृत करता है। क्या करता है? अम्लीय माध्यम में इसका ऑक्सीकृत। जबकि Ti+ इसको क्या करता है? क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकृत। क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकृत क्या करता है? इसको क्षारीय माध्यम में इसका ऑक्सीकृत इसको करता है। किसे करता है? इसको क्षारीय माध्यम में इसको ऑक्सीकृत। अब देखिए हम वेग नियम के समीकरण या वेग नियम को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिए हमारे पास कोई एक विक्रिया कुछ इस प्रकार से हो रही है, हमारे पास उत्पाद कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, और इसको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं? आर ए सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ठीक है, ये रहा भी जो इसके स्टाइकोमेट्री है या रस समीकरण के गुणा होते हैं ना, उसकी क्या बनती थी? कोटि गात्र बन जाती है, ठीक है। अब जब समानुपाती को चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास आता है के, इसको हम लिख सकते हैं dx/dt। क्या क्या है यहां पर? वेग स्थिरांक, क्या है? वेग स्थिरांक। इसके बाद हम पढ़ने वाले विशिष्ट अभिक्रिया की, अभिक्रिया वेग के बारे में। वेग स्थिरांक की बात करते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है कि हम उस कोई हमारे पास क्या वेग स्थिरांक है, उसमें अभिक्रिया का वह वेग, कोई हमारे पास क्या वेग स्थिरांक है उसका अभिक्रिया का वह वेग, वह वेग जिसमें क्या हो सांद्रता की इकाई हो अर्थात यूनिट हो, सांद्रता क्या हो इकाई हो, तो उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़े कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी यूनिट किस प्रकार से निकालते हैं देखते हैं। dx/dt है ना, इसको लिखते हैं मोल बटा लीटर। सेकंड समय को लिखते हैं हम सेकंड के रूप में, उसको आगे हल कर लेते हैं। के को भी हम इसी प्रकार से लिखते हैं मोल पर लीटर, इसको भी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इन सभी को मैं यहां पर ले जाता हूं, के की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मोल लीटर यहां पर आ जाता है, मोल लीटर इसकी पावर आ जाती है इस बार माइनस का, सेम इसको भी लिख लेते हैं मोल इसकी पावर क्या आ जाती है माइनस, ठीक है, और ये आ जाता है सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ जाता है कि एक तो हमारे पास ये, इसको थोड़ा और हल करते हैं, कॉमन ले लीजिए मोल पर लीटर, इसका प्लस वन माइनस का ए माइनस का बी सेकेंड इनवर्स और के, एक ही आ जाता है। अब देखिए हमारे पास आ चुका है, ये देखिए हमारे पास क्या मोल बटा लीटर है, इसको हम लीटर बटा मोल लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? लीटर बटा मोल, तो हमारे पास क्या आ जाता है ये ए प्लस बी प्लस माइनस वन आ जाता है, चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। जबकि हमारे पास आया सेकेंड इनवर्स, हमारे पास आता है की। अब जो ए प्लस बी है ना, उसको या कुछ भी है उसको एन मान लेते हैं, हमारे पास आता है लीटर मोल एन माइनस वन आ जाता है, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। इसके अंदर हम क्या क्या वैल्यू लिख कर शून्य कोटि प्रथम कोटि तृतीय कोटि तक हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहले बात करते हैं शून्य कोटि की, अब सुनने कोटि की बात करते हैं, वहां पर n बराबर होता है जीरो, तो ये आ जाता है प्लस लीटर
मोल माइनस वन सेकेंड इनवर्स किया गया। अगर मैं बात करूँ प्रथम के लिए जीरो एन की वैल्यू एक का सॉरी पूरा हो जाएगा जीरो, इसमें आ जाता है मेरे पास लीटर नहीं आएगा सॉरी क्या बोलाता है सेकेंड इनवर्स इंटू के। इसी प्रकार से मैं बात करूँ द्वितीय कोटि की, इसकी वैल्यू आ जाती है बराबर दो, दो यहाँ पर मान पुट करोगे दो माइनस एक आ जाता है, तो यहाँ पर आता है लीटर मोल दो माइनस एक हमारे पास आ जाता है एक सेकेंड इनवर्स क्या जाता है के की वैल्यू। तृतीय की बात करोगे एन की वैल्यू आ जाती है तीन, यहाँ पर आएगा लीटर मोल बट्टा दो सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात कर ली है प्रथम से लेकर शून्य से लेकर तृतीय कोटि तक वेग स्थिरांक इकाइयों की हमने बात कर ली है कि किस प्रकार से होता है फॉर्मूला इसका किस प्रकार से बनता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बात करेंगे वेग स्थिरांक की बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे वेग स्थिरांक का निर्धारण हम ग्राफ के द्वारा या वक्र के द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पहले हम क्या बनाते हैं एक उत्पाद के लिए ग्राफ बनाएंगे और एक किसके लिए बनाते हैं हम एक अभिकारक के लिए बनाते हैं। आपको पता है अभिकारक के लिए तो क्या होता है कि सांद्रता धीरे धीरे कम होती रहती है विकारक, और उत्पाद की बात करोगे वहां पर सांद्रता बढ़ती रहती है। ठीक है ये याद रखना। तो हम एक बना लेते हैं देखो घट रही है शून्य नहीं करना आपको और उत्पाद के अंदर बढ़ती है। यहाँ पर देखो अभिक्रिया वेग किस कहाँ दर्शाता है यहाँ पर एक टेंजेंट बनती है अर्थात स्पर्शा बनती है कहाँ पर ये रहा ये अभिक्रिया वेग को दर्शाता है और ये क्या दर्शाते हैं अभिक्रिया के वेग को दर्शाते हैं किसको टेंजेंट या स्पर्श इसकी किस प्रकार से दर्शाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको पता होगा सांद्रता होती है जिसको आप सी से डिनोट करते हैं ये होता है समय। अगर यहां पर मैं मैक्सिमम देखूं टाइम टी को देखूं यहां पर मैक्सिमम यहां पर अगर तो यहां तक आता है ये टी रहा, अगर आप सांद्रता को देख रहे हो सांद्रता अधिकतम यहां पर आ रही है। ठीक है अगर मैं बात करूं इसमें समय यहां पर आ रहा है और वेग क्या होता है वेग होता है सांद्रता में परिवर्तन की दर, तो सांद्रता में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं दोनों के लिए बात करूं ना उत्पाद के लिए और तो उसको ढाल की स्लोप ढाल इसके द्वारा व्यक्तित कर सकते हो, परंतु जब मैं अलग अलग की बात करता हूं तो मैं क्या लेता हूँ समय अंतराल लेता हूँ। तो समय की अगर मैं टी की बात करता हूँ लगभग यहाँ पर देखिए यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं समय के लिए छोटा सा अल्प समय ले लेता हूँ अंतराल, ये मेरे पास समय का अंतराल अंतराल ठीक है। और यहाँ पर मैं किसका ला लेता हूँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सांद्रता का, सांद्रता को मैं डी से सी से सांद्रता को और ए के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ए से डिवाइड किसको परिभाषित करता हूँ अभिकारक को, तो इसको किस प्रकार से लिखते हो डी सी ए बटा डी टी के लिए और इसी के अंदर क्या होता है कुछ क्षण समय टी भी सम्मिलित होता है। अगर मैं यहाँ पर उत्पाद के लिए बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समय यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम टी दिखाई देता है ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मैं क्या मानता हूँ एक अलग समय डेल्टा डी टी मान लेता हूँ क्या मान लो डी टी मान लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके लिए मैं क्या मानता हूँ डी सी बी मान लेता हूँ सांद्रता ठीक है। इसको भी मैं किस प्रकार से परिभाषित करता हूँ डेल्टा सी बी बटा डेल्टा टी, ये भी किसको परिभाषित कर रहा है ढाल या स्लोप को अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं इसके द्वारा। इसके अंतर्गत आप क्या कर लीजिए जो समीकरण मैंने चार निकाली है उसके अंतर्गत इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी हमारे पास है और केक के वेग स्थिरांक की वैल्यू क्या था वेग स्थिरांक की मैंने बात की शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत उसको सेकेंड हावर मिनट्स के रूप में भी लिखा जा सकता है।
तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा और आपका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और रिविजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।